हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन क्या है, क्यों होता है और इसे कैसे बच सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। और हाँ, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, डिप्रेशन एक मेंटल प्रॉब्लम है। जब आप स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं तो ब्रेन में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है और मोटिवेशन का एहसास कराने वाला हार्मोन्स डोपामिन बहुत कम बनने लगता है, और इसके साथ साथ खुशी का एहसास दिलाने वाला हार्मोन्स सेरोटोनिन भी बहुत कम बनने लगता है, जिसके वजह से ब्रेन में न्यूरोकेमिकल इंबैलेंस हो जाता है। और यही कारण है कि तनाव बढ़ने लगता है और खुशी का एहसास कम होने लगता है, और ऐसे ही डिप्रेशन की शुरुआत होती है। डिप्रेशन और स्ट्रेस में यही अंतर है कि जब आप कम टाइम के लिए उदास रहते हैं तो उसे स्ट्रेस कहते हैं, लेकिन वहीं जब आप लंबे समय के लिए उदास रहते हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब हम स्ट्रेस लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं तो हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर असर पड़ता है। दोस्तों, डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स भी हैं, जैसे में आपको अपने फेवरेट काम में भी मन ना लगना, बात बात पर गुस्सा करना, बात बात पर चिढ़ जाना, थका हुआ महसूस करना, खुद को बेकार समझना, अपने आप को हर काम के लिए दोषी मानना, प्रॉपर तरीके से नींद ना आना, बहुत ज़्यादा या बहुत कम सोना, डाइजेशन प्रॉब्लम होना या हमेशा सुसाइड करने का ख्याल आना। अगर आपको इनमें से कोई 5 सिम्टम्स है तो साइकेट्रिक गाइडलाइन के मुताबिक आपको डिप्रेशन है। दोस्तों, ये तो बात हो गई डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि डिप्रेशन क्यों और कैसे होता है। डिप्रेशन होने का सबसे पहला रीज़न है फैमिली हिस्ट्री। मतलब अगर पास्ट में आपके मम्मी पापा या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को किसी प्रकार का मेंटल इलनेस था तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा रीज़न है अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा। इसका मतलब अगर आपके बचपन में कोई ऐसा घटना हुआ हो जिससे आपके ब्रेन पर असर पड़ा है, इसके वजह से भी आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तीसरा रीज़न है ब्रेन स्ट्रक्चर, आपका ब्रेन किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। चौथा रीज़न है मेडिकल कंडीशन, मतलब पहले दिमागी बीमारी से पीड़ित होना। पांचवा रीज़न है ड्रग एब्यूज़, मतलब पास्ट में कभी कोई दवाई का मिसयूज़ करना या उसका साइड इफ़ेक्ट होना। दोस्तों, डिप्रेशन के और भी कई कारण हैं, जैसे में सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम की कमी, मतलब आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी, और जिंदगी में दुखद घटना होना, अपने करीबी और चहेते इंसान को खो देना, डाइवोर्स होना या ब्रेकअप होना। इसके अलावा और भी कई रीज़न हैं डिप्रेशन में जाने का। दोस्तों, जब कोई डिप्रेशन में रहता है तो उसके ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन्स बहुत कम बनने लगता है, तो नॉर्मली डॉक्टर उसे ऐसा दवाई देता है जिससे उसके ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगता है और उसे खुशी का एहसास होने लगता है, लेकिन वो तभी तक खुश रह पाता है जब तक उसके ब्रेन में उस दवाई का असर रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे ब्रेन का एक पार्ट हिप्पोकैम्पस जो कि इमोशन और मेमोरी को कंट्रोल करता है, तो ये पार्ट डिप्रेशन की वजह से साइज में छोटा हो जाता है और न्यूरॉन्स के बीच नेटवर्क टूटने लगता है और ब्रेन का फंक्शन वीक हो जाता है। हमें कई तरह के मेंटल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए उपाय है। पहला, आपको डॉक्टर से एडवाइस लेनी होगी और उसके प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना होगा। दूसरा, आप डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कैसे भी कर सकते हैं, बस आपको कुछ स्टेप्स को देंगे। पहला स्टेप है, आपको अपनी प्रॉब्लम आपके करीबी इंसान से शेयर करनी होगी, उनसे एडवाइस लेना होगा। दूसरा स्टेप है, आपको खाने में बैलेंस डाइट को ऐड करना होगा। तीसरा स्टेप, आपको प्रॉपर तरीके से नींद लेनी होगी। चौथा स्टेप, डेली एक्सरसाइज करना होगा। अगर आप ये सभी स्टेप्स को डेली फॉलो करते हैं तो आपके ब्रेन में नेचुरली सेरोटोनिन हार्मोन्स बनने लगता है, जिसके वजह से ब्रेन का हिप्पोकैम्पस पार्ट वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है और न्यूरॉन्स के बीच में वापस से कनेक्शन बनने लगता है और ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देता है और इवेंचुअली आपको खुशी का एहसास होने लगता है और आप डिप्रेशन से छुटकारा पा लेते हैं। सो दोस्तों, ये थे डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।